अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान का 8वां दिन है और 8 दिन गुजर गए माशाल्लाह, पता भी नहीं चला। इतना अच्छा दुबई में मौसम है। फिलहाल मैं होरलैंड में हूँ और आज इफ्तार होरलैंड के एक रेस्टोरेंट में करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वेरी गुड रेस्टोरेंट। सो चलिए गाइस, आज की रमज़ान और आज का रोज़ा यहीं खोलते हैं, तो चलिए चलते हैं। जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ तो ये है नूर स्वीट रेस्टोरेंट। ट्राई करते हैं यहाँ पे, वैसे आमतौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। मिल गया भाई हमारे, ये नूर स्वीट माशाल्लाह। आज थोड़ा सा यहाँ पे इफ्तार का प्रोग्राम बना लिया है माशाल्लाह। बहुत सी चीज़ें हैं, पहले आपको दिखाऊं। ये सारे स्वीट्स हैं, ये गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पे तल रहे हैं, और ये बिल्कुल लगता ही नहीं है कि भाई दुबई में खा रहे हो, अपना सेम इंडिया पाकिस्तान वाला टेस्ट है भाई, बिल्कुल माशाल्लाह। सारी चीजें हैं ना, अपने यहाँ जो मिलता है वही चीज है, पूरा क्वालिटी मेंटेन कर रखा है। ये देखिए एकदम बिल्कुल उसी तरीके से बनाए जा रहे हैं जैसे अपने यहाँ बनाए जाते हैं, बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन, मिठास भी वही होता है। इफ्तार का टाइम होते ही खाने पीने के सामान टेबल पे लग गए थे, बहुत सारे भाइयों के साथ मैंने इफ्तार किया है। सामने फ्रूट्स वगैरह देख सकते हैं, और अजान होते ही मैंने खजूर के साथ रोज़ा खोला, और सामने देख सकते हैं समोसा चाट जो कि बहुत अच्छा था। उसके तुरंत बाद फिर मैं कॉफ़ी पीने के लिए मेट्रो स्टेशन के बाजू में एक रेस्टोरेंट वहाँ चला गया था। उसके बाद ये मेरी कॉफ़ी पीते हैं पूरा दिन। कॉफ़ी तो रमज़ान में पी नहीं सकता हूँ रोज़े रहने की वजह से, तो फिलहाल कॉफ़ी का एक सिप लेके मज़ा आ गया। और फिलहाल ये है रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन वो बाजू में है, और ये पूरा एरिया जो पीछे का ये होरलैंड है, इस तरफ भी होरलैंड है यूनाइटेड हाइपर, वो सामने है। फिलहाल कॉफ़ी शाम का वक्त इफ्तार के बाद पीने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि पूरा दिन कॉफ़ी, नॉर्मली मेरा कॉफ़ी एडिक्शन मतलब कह सकते हो, क्योंकि मैं कॉफ़ी दिन में 3-4-5 दफ़ा बल्कि कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाता था। फिलहाल मैंने कंट्रोल किया है, जैसा लास्ट आपने एक ब्लॉग में देखा था न्यू ईयर ब्लॉग में, कि मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि कॉफ़ी लिमिटेड करूँगा, तो फिलहाल लिमिटेड किया हुआ है। तो फिलहाल ये पूरे दिन में पहला कॉफ़ी है, इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो गाइस, अभी इफ्तार के बाद जो है ना, इस वक्त नज़ारा है, डिनर करने में जा रहा हूँ उसी रेस्टोरेंट में। इफ्तार किया था, बहुत हौज पौज था, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सका था, लेकिन इस वक्त मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा कुछ दिखाने का। गाइस, होरलैंड इज़ नोन फॉर द रेस्टोरेंट। ये चौराहा है और चारों तरफ रेस्टोरेंट है, उधर भी रेस्टोरेंट, इधर भी रेस्टोरेंट, और इस तरफ भी है। भीड़ नहीं है इस वक्त क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ही कुछ ऐसा, और अभी मैंने ऑर्डर करा है सारे नीचे। मिक्स सब्जी आ गया, रोटी। ये भाई क्या है मिक्स सब्जी में? आइए बैठिए, हमारे साथ दीजिए। ये बढ़िया बढ़िया। तो ये क्या है भाई आज आदिल भाई? ये आलू मटर है ना? आज मैं एक्चुअली मैं सब्जी खाने के मूड में हूँ जी। तो ये आ गया अपना समोसा चाट माशाल्लाह, अभी इसको भी टेस्ट करेंगे। फिलहाल तो अभी ये ख़त्म करते हैं, आलू आई मीन रोटी है और ये सब्जी जैसा मैंने बताया। ठीक है गाइस, ये रहा समोसा चाट, अभी थोड़ा देर पहले मैंने सब्जी और रोटी खाई है, और ये रहा फ्रूट चाट। तो यहाँ की स्पेशल है, तो दोनों को टेस्ट करेंगे। इतना कुछ खाने के अपने पास अभी हो गया है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना कुछ खा पाऊँ। लेट्स सी, जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा टेस्ट जैसा उम्मीद था। मेरा चैनल जैसा कि पता आप लोगों को गाइस की फूड ब्लॉग है, तो इस वक्त मैं खा रहा हूँ ये बहुत ही फेमस समोसा चाट है, जो कि रेगुलरली मैं खाया करता हूँ। आज मैंने तो गाइस पर ब्लॉग बनाऊँगी, फिलहाल खाना खाने के बाद भाई ने अपनी मोहब्बत इतना सारा चीज़ दे दिया। ये सारी चीज़ है फ्रूट चाट, ये फ्रूट चाट है ना, तो ये फ्रूट चाट है। इसका टेस्ट तो बहुत ही उम्दा है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हमारे भाई हैं इसमें ज़रा सा कंप्रोमाइजिंग करते, यही वजह है कि यहाँ पे मुझे बार बार मुझे खींच के लेके आ जाता है, और मैं डेली इधर से मैं ऑफिस से जब निकलता हूँ तो मेरा ये कोशिश होता है कि भाई यहाँ का समोसा चाट तो कम से कम खाऊं। वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे हैं, चाहे आप चिकन का आइटम ले लो, चिकन के जो पास फ्राई चिकन पीस है दैट इज़ वेरी गुड, बहुत टेस्टी है। तो मैं स्पेशल ब्लॉग बना रहा हूँ, ये कोई भी प्रमोशनल ब्लॉग नहीं है, ये जस्ट मेरी अपनी मोहब्बत है जो मैंने फील किया है कि इतना अच्छा टेस्ट मिलता है। तो मैंने सोचा कि भाई ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप भी अगर यहाँ आओगे तो सेम वही चीज़ पाओगे। एक बार आप टेस्ट करोगे तो आप कहोगे कि मैंने बिल्कुल ही सही कहा। तो फिलहाल मैं अभी टेस्ट करके आपको सारी चीज़ बताऊँ।
बताता हूँ, तो इसका जायका भी बताता हूँ। तो बहुत ही अच्छा है। मेन चीज जायका ये होता है कि मसाले की जो उसमें होती है ना, दही का क्वांटिटी, मसाले का जो कॉम्बिनेशन है, वो पूरा ही जबरदस्त है। हर चीज इसमें मालूम चलता है, चाहे मसाला हो, चाहे दही हो, चाहे समोसे की जो मतलब खस्ता बिल्कुल। और इसको भी बता ही देता हूँ, तो ये जैसा कि मैंने बताया फ्रूट चाट है, और लगभग सभी फ्रूट्स इसमें दिख रहे हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे बनाना हो, चाहे जो भी हो। माशाल्लाह, थोड़ा करीब से आप दिखा दीजिए। तो ये रहा समोसा चाट, ये रहा फ्रूट चाट। थोड़ी देर पहले मैंने इनके यहाँ का सब्जी खाया है, जो कि बहुत ही लजीज था। और इस टेस्ट के पीछे जो शख्स है वो हमारे नूर भाई है। नूर भाई, तो ये है, इनको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। आज जो इतना अच्छा चीज खाने को इस होटल में मिल रहा है, वैसे यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ओवरऑल यहाँ पे अगर होटल की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है 200 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है, लगभग सभी में मैंने खाया होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीजें यहाँ पे अगर बात करूँ तो समोसा चाट हो, या फ्रूट चाट हो, या चिकन का फ्राई पीस है, और भी बहुत सारे मेनू में बहुत सारी चीज है। तो बस मेरा ये तजुर्बा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये जेन्युइन मेरी ओपिनियन है, ये बिल्कुल ही जो मैंने तजुर्बा किया वही चीज बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए ब्लॉग में, फिर मिलेंगे कोई नई जगह पे नया ब्लॉग। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। रमजान मुबारक हो आप सबको एक बार फिर से दिल से, बहुत शुक्रिया। रमजान महीना है अच्छा खाने का, अच्छा ये मतलब रमजान महीना ऑब्वियसली आप अच्छी इबादत करते हो, अच्छा खाना खाते हो, ये सबसे बरकतों का महीना है। और हमारे लिए तो होता है पूरा दिन रोजा रहने के बाद हमें अच्छा खाना चाहिए होता है, और हम परदेसी हैं तो हमारे लिए तो अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना मुश्किल होता है। तो जब से ये मिल गया भाई मजा आ गया, माशाल्लाह सुप्रीम ने, और भी ये आगे बढ़े भाई को मेरी तरफ से दुआ है। तो बस मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, सब तक के लिए अपना अपना का ख्याल रखें। तो चलिए भाई अभी फिलहाल इस रेस्टोरेंट से निकलते हैं। ये फ्रूट चाट जो है मैंने पैक करा लिया और मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। आदिल भाई की मोहब्बत इतनी है कि मतलब वो माने नहीं, मुझे साथ में फ्रूट चाट भी पैक करके दे दिया। फिलहाल अब इसको इतना जगह नहीं था कि मैं यहाँ पे खाता, तो अभी मैं रूम पे जाके इसको खाऊंगा, और ये वीडियो कल इंशाल्लाह आ जाएगा। बेसिकली मैं फूड ज़्यादा फूडी टाइप का इंसान हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ब्लॉग जो है फूड पर भी बनाऊँ। तो मैंने अपना फूड एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बिल्कुल लोकल एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, सॉरी अभी हवाई जहाज़ की आवाज़ आ रही है, तो ये बिल्कुल लोकल एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ। इसी एरिया में रहने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, जैसा मैंने बताया था 200 एवब रेस्टोरेंट होंगे पूरे और लैंज में, बल्कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने कोई काउंट नहीं किया है, जस्ट एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि हर रेस्टोरेंट की कोई खासियत होती है, तो इस रेस्टोरेंट का मैं एक्सपीरियंस क्यों शेयर किया, इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जो खाना है बहुत ही प्योर होता है। बेसिकली प्योर का मतलब ये है कि सारी जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैंने पर्सनली इसको फील किया है, नोट किया है, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उम्दा होता है, बहुत टेस्टी। सबसे मेन चीज़ की खाना खाने पे कई बार ऐसा होता है कि लोग खाना खाते हैं और उसके बाद उनको टेस्ट तो अच्छा लगता है बट वो डाइजेस्टिव नहीं होता है। तो हेल्दी भी फूड होना इम्पॉर्टेंट है, और ये हेल्दी है क्योंकि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मैंने जब भी खाना खाया, जितना भी खाना खाया, तो मुझे कभी भी कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं है। जस्ट मैंने अपना जेन्युइन मैंने ये फीडबैक दिया है, नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, थैंक यू। सो इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग। ये सब एरिया जो है पूरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द मैक्सिमम यहाँ रेस्टोरेंट है। तो चलिए गाइस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वही अपनी लाइन, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और रमज़ान में खुश रहें, अच्छा खाएं, दुआ करें अल्लाह से, दुआ करें कि आप हम सब अच्छे रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।